अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ओफ एक्स एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये गिवन फंक्शन आपको दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एफ ओफ टू, अगर आप जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टू पुट करेंगे तो वो इक्वल टू -3 आएगा, और जहाँ पे एक्स है अगर आप वहाँ पे -1 पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम लिख रहे हैं इसका फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे पहला फंक्शन है एफ ऑफ टू और दूसरा है एफ ऑफ -1, और एफ ऑफ टू को हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। जिधर एक्स होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 2। तो इधर आ जाएगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 क्यूब। देखें यहाँ पे एक्स था, एक्स की पावर क्या थी? 3। मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर रहे हैं। माइनस ए इधर आएगा 2 का स्केयर प्लस बी, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3 है। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ टू। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। अब 2 3 6 नहीं करेंगे, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 4 4 2 8 माइनस 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 4, और साथ में है ए, प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें 2b प्लस 1। इधर आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन -4a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ पे 8 प्लस का है और ये प्लस 1 है, दोनों प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा? +9। और इधर वैल्यू हमारे पास क्या है? -3। अगर हम +9 को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो -9। इधर हो जाएगा -4a प्लस 2b। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, सॉरी अभी इसको पहले प्लस कर ले, माइनस माइनस प्लस, अगर 2 साइन सेम आ जाएं तो हमारे पास साइन वही रहता है। हम वैसे भी यहाँ पे जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन है वो लगाएंगे, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12, और इधर -4a प्लस 2b। और अगर गाइस हम यहाँ से -2 कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा? तो 2 4 और ये a, जो माइनस था वो बाहर कॉमन आ गया। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा? बी, और इधर क्या आ गया? -12। अब जो यहाँ पे -2 है इसे यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें, दूसरी साइड पे आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12। यहाँ पे आ गया 2a माइनस बी, तो 6 इज इक्वल टू 2a माइनस बी, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 6 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। अब हमने क्या करना है? सेकंड फंक्शन यूज़ करना है। अब हमारे पास जो फंक्शन है पहले वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। लास्ट में हमने फंक्शन यूज़ किया था एफ ऑफ 2, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एफ ऑफ -1। आपको इक्वेशन में गिवन था एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे? -1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब हम लिखते हैं यहाँ पे f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -a, फिर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी -1 एंड प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 है। अगर आपके पास ऊपर पावर ऑड नंबर में है तो हम क्या करेंगे? जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में ही रहेगा, ये हो जाएगा -1। अगर ऊपर इवन नंबर है, अंदर वाला नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज, फिर ये वाला माइनस और ये ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी आ जाएगा, और प्लस 1। अब ये +1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है ऑपोजिट साइंस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0। तो हम एफ ऑफ -1 के बराबर क्या लिख देंगे? इक्वल टू 0 लिख देंगे।
यहाँ पे आएगा माइनस ए एंड माइनस बी। तो गाइस आप इस इक्वेशन में से ए या बी की वैल्यू फाइंड कर लें, हम ए की फाइंड कर लेते हैं। ए साइड पे क्या तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब आप इस इक्वेशन नंबर टू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर वन में। वन वाली इक्वेशन हमारे पास है सिक्स इज इक्वल टू, सिक्स इज इक्वल टू टू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिधर ए है वहाँ पे माइनस बी पुट कर देंगे। सिक्स इज इक्वल टू टू, जहाँ पे ए है वहाँ पे माइनस बी, एंड माइनस बी ऑलरेडी है, तो सिक्स इज इक्वल टू टू बी, साथ में ये माइनस का साइन और ये माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा आएगा बड़ी अमाउंट वाला, टू बी और ये बी कितने हो जाएंगे थ्री बी। आपने वही इस पे फंक्शन अप्लाई करना है जो आपकी प्रोनंसिएशन है, जैसे माइनस माइनस प्लस, तो हम इसे प्लस करेंगे लेकिन साइन क्या लगा दिया नेगेटिव सिक्स। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सिक्स ओवर माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, तो आपके पास बी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू आई है, तो ए इज इक्वल टू ये माइनस ऑलरेडी है और बी की वैल्यू क्या है माइनस टू, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी टू। हमने फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बी माइनस टू और ए टू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिल सकें। वे थैंक यू।